नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में बात करेंगे। जब बात राजस्थान में नहरों की है तो सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी नहर का आता है, जिसे हम आईजीसी इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली में सम्मिलित है। इसे मरुगंगा या मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। इसको थार डेजर्ट की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद नवंबर 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस नहर के जनक कंवर सेन को माना जाता है, क्योंकि 1948 में उन्होंने इस नहर को बनाने का प्रस्ताव रखा था या आइडिया दिया था। वो बीकानेर राज्य में इंजीनियर थे उस समय। 1952 से लेके 1958 तक ये नहर बनी और मार्च 1958 में इस नहर का उद्घाटन कर दिया गया। और उद्घाटन उस समय के जो गृह मंत्री थे भारत सरकार में, गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने ये किया। आप देख सकते हैं कि इस तरह की कैनाल है, डेजर्ट है, चारों तरफ रेत है और उसके बीच में ये पूरी गंगा बहाई गई है, तो उसको इसीलिए मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। इस नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरिके बैराज है पंजाब के अंदर। ये हरिके बैराज सतलुज और ब्यास दो नदियां हैं, उनके संगम पर स्थित है और वहां से वो नहर बनाकर ये पानी इस तरह से बॉर्डर के सारे सारे राजस्थान के बाड़मेर जिले तक लाया गया है। वो हरिके बैराज इस नहर का जन्म स्थान माना जाता है। इस हरिके बैराज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये देखिए व्यास नदी इधर से आती है, सतलुज नदी इस तरह से आती है, दोनों ये नदियां आपस में मिलती है और जहां ये नदियां आपस में मिलती है वहां पर सारा कीचड़ है, दलदल है, वो एक वेट लैंड जिसको हम कहते हैं वो बन जाता है। सारा पानी इधर उधर फैल जाता है वहां पे, तो इसलिए वो एक वहां पर वेट लैंड का निर्माण वहां पर वो दोनों नदियां मिलकर करती है। अभी जो दोनों नदियां हैं इनका पानी आगे की तरफ बह के पाकिस्तान की तरफ जाता था, तो उसको यहाँ एक वॉल बनाकर रोक दिया गया है और वॉल बनाकर उस पानी को रोक के जो पानी इधर बह के जा रहा था उसको डाइवर्ट करके इधर बहा दिया गया है इस तरह से। तो ये इंदिरा गांधी नहर है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको बैराज कहते हैं। बैराज का मतलब क्या है? नदी के बीच में पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया एक बांध और उसके बाद पानी की दिशा बदल दी जाती है, मोड़ दी जाती है, तो उसको हम बैराज कहते हैं। और यही वो हरिके जगह है, इसलिए इसको हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। ये जो पूरी जगह है इसको आप देखना चाहें तो ये इस तरह की दिखाई देती है। सारा पानी इधर उधर फैला हुआ है, सारी घास उगी हुई है, वहां कीचड़ है, दलदल है सारा, और बहुत सारा पानी वहां हिमालय से ये नदियां बहा के लेके आती है, वो इकट्ठा होता है, तो उस पानी को यहाँ से इस तरह से मोड़कर इधर लाया गया, इसको हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये नदी से होता हुआ ये पानी अंदर चला जाता था इधर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अब ये यहाँ पर एक दीवार बना दी और पानी को डाइवर्ट कर दिया इस तरफ। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये पानी अब इस तरफ निकल रहा है और इस तरफ बहना शुरू कर देता है। इसी को इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इस स्थान को अगर आप रियली इमेज में देखना चाहें तो ये इस तरह का है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ये वाला है। अब यहाँ से पानी को इधर डाइवर्ट किया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पूरी एक नदी है, पूरा बहुत बड़ा हिस्सा इस तरफ पानी का बहता है, तो ये सारा पानी इधर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसको हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये जो नहर राजस्थान के अंदर है इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, इधर पंजाब, पंजाब से हरियाणा में आती है और हरियाणा से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ये जो मुख्य कैनाल है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में ये गडर रोड तक फैली हुई है, तो इस तरह इन सारे जिलों में से होकर ये कैनाल गुजर जाती है। अब इस कैनाल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसको हम समझे तो सबसे पहले फीडर कैनाल की बात करते हैं, जिसको हम राजस्थान फीडर भी कहते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। कहाँ से? हरिके बैराज से शुरू होकर ये मसीतावली तक चलती है। हनुमानगढ़ में मसीतावली एक जगह है यहाँ पर, वहां तक। तो इसका फीडर का मतलब यह है कि वहां हरिके बैराज से निकलकर जब तक ये नहर मसीतावली तक नहीं पहुंचती तब तक इसका पानी को यूज नहीं कर सकता, ये फीड करती है, फीडर है, तो फीड करने वाली कैनाल मानी जाती है। क्योंकि अगर पानी बाहर पहले ही निकाल दिया जाएगा तो राजस्थान तक पानी आएगा कैसे, इसलिए इसको फीडर कैनाल के नाम से जानते हैं हम। ये जो फीडर कैनाल है वो 170 किलोमीटर तो पंजाब और हरियाणा में बहती है और 34 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इस तरह से 204 किलोमीटर टोटल है। और वो मसीतावली आने के बाद फिर उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, तो फीडर खत्म हो जाती है। अब उस मसीतावली से आगे फिर मेन कैनाल है, मुख्य नहर है, और जो मुख्य नहर है मसीतावली से यहाँ मोहनगढ़ तक चलती है, तो उसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक मोहनगढ़ तक वो 445 किलोमीटर है। अब ये जो 445 और 204 इन दोनों को मिला दे तो हरिके बैराज से लेके मोहनगढ़ तक जो मेन कैनाल है वो कितनी है? 650 किलोमीटर, जिसमें से 445 तो मेन कैनाल है और वो 204 किलोमीटर फीडर है। अगर हम इस पूरे नहर तंत्र का सिस्टम देखें तो 8,000 किलोमीटर से ज्यादा पूरा इनकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस सब मिलाकर अगर हम देखें तो इतना बड़ा नहर सिस्टम, इसलिए हम कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम ये है।
अभी जो मेन कैनाल है वो दो चरणों में बनाई गई है। उसका पहला जो फेज है वो 1975 में पूरा होता है और उसमें 189 किलोमीटर नहर, लंबी नहर बनाई जाती है। और वो नहर कहाँ तक आती है? बीकानेर में पूगल तक। तो मसीतावली से पूगल तक ये फर्स्ट फेज है और इसमें 5.46 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती है, जिसमें से फ्लो के माध्यम से ढाल के अनुसार तो 4.84 लाख हेक्टेयर है और लिफ्ट कैनाल से 0.62 हेक्टेयर है। इसी तरह से दूसरा फेज अगर हम देखें तो वो 1986 में पूरा होता है और इसमें 256 किलोमीटर नई मेन कैनाल बनाई जाती है और वो इस पूगल से लेकर मोहनगढ़ तक चलती है इस तरह से। और ये इतनी नहर और बढ़ जाने से इरिगेशन 10.71 लाख हेक्टेयर बढ़ जाता है, और जो फ्लो के माध्यम से 7.24 लाख हेक्टेयर और लिफ्ट कैनाल के माध्यम से 3.47 लाख हेक्टेयर है। अब ये फ्लो और लिफ्ट कैनाल क्या है ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे, अभी हम आगे इसके चरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल इरिगेशन अब हो रहा है दोनों फेज मिला करके 16.17 लाख हेक्टेयर इरिगेशन हो रहा है। तो पहला फेज ये था और दूसरा फेज ये था, दोनों में मिला करके 445 किलोमीटर लंबी कैनाल है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि हरिके बैराज से लेके 650 किलोमीटर लंबी कैनाल है वो मोहनगढ़ तक की बात है। अभी वर्तमान में इस कैनाल को मोहनगढ़ से आगे भी बढ़ा दिया गया है गडरा रोड तक बाड़मेर में, लेकिन ये मेन कैनाल नहीं है, सब ब्रांच है उसकी, जिसको गडरा रोड ब्रांच भी कहा जाता है, रामदेव जी ब्रांच भी कहते हैं इसको। तो ये सब ब्रांच है, मेन कैनाल का ऐसा नहीं है, मेन कैनाल तो वहीं खत्म हो जाती है मोहनगढ़ तक। तो वो जो 445 किलोमीटर लंबा दायरा है वो मसीतावली से मोहनगढ़ तक के बीच का है। अब अगर हम यहाँ देखें कि दोनों फेज में किस तरह से इरिगेशन की फैसिलिटी शुरू की गई थी, तो ये हरिके बैराज से इस तरह से ये कैनाल यहाँ तक आई, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। तो जो लिफ्ट कैनाल और फ्लो वाली बात थी, इस तरफ जो थार का डेजर्ट है उसका ढाल इस तरफ है, इस तरफ ढाल होने की वजह से ये पानी सारा यहाँ से इस तरफ तो आराम से चला जाता है ढाल के हिसाब से। तो लेकिन इस तरफ अगर पानी लाना होती है, हाइट ज्यादा है, यानी कि पश्चिमी इधर पूर्वी राजस्थान की तरफ अगर पानी लाना है तो उसमें हाइट ज्यादा है, तो इधर लाने के लिए लिफ्ट कैनाल बनाई जाती है। लिफ्ट कैनाल क्या होता है ये भी हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ फर्स्ट फेज में आप देखो इतना तो लिफ्ट कैनाल वाला हिस्सा था और इतना सारा ये जो हिस्सा है वो फ्लो के माध्यम से। फिर सेकंड अगर हम फेज देखें तो उसमें भी ये देखिए फ्लो के माध्यम से ढाल के अनुसार यहाँ तो पानी अपने आप पहुंच जाता है सब ब्रांचेस से, और इधर लाने के लिए लिफ्ट कैनाल्स बनाई जाती है। तो इस तरह से ये दोनों फेज में इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस तरह से यहाँ पर सेवाएं देती है अपनी, किस तरह से उसका डेवलपमेंट किया गया। अब आगे अगर हम देखें तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ भारत सरकार का एक अगस्त 2020 में जारी किया गया मैप है, जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ कैनाल्स के एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उस पर आधारित है। अब इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस तरफ से क्योंकि ढाल इधर है तो ये सारा जो पानी है इन कैनाल से होता हुआ जो सब ब्रांचेस है इसकी वहां से होता हुआ ढाल के माध्यम से इधर चला जाता है। तो इधर तो कोई लिफ्ट कैनाल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरफ ले आए तो लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ती है। पहले हम इन कैनाल्स को देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी कैनाल है। तो ये जो मेन ब्रांच कैनाल्स हैं उसमें से अगर एक एक करके हम देखें तो रावतसर ब्रांच या हनुमानगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ ब्रांच अगर आप यहाँ देख सकते हैं सूरतगढ़ ब्रांच, फिर अनूपगढ़ ब्रांच यहाँ, पूगल ब्रांच, फिर क्रमशः अगर हम चलते रहे तो इसी तरह से चारण वाला ब्रांच बीकानेर के अंदर, दातोर ब्रांच बीकानेर में है, बिसलपुर ब्रांच ये भी बीकानेर में है, शहीद बिरबल ब्रांच ये जैसलमेर में है, और सागरमल गोपा ब्रांच ये भी जैसलमेर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर दो, ये चार कैनाल बीकानेर में और ये दो जैसलमेर में, इस तरह से ये सारी ब्रांचे हैं, मेन ब्रांचे हैं जो पानी इस तरफ से लेके जाती है ढाल के अंदर। और इनकी सारी सब ब्रांच भी आप देख सकते हो इस मैप के अंदर, कितनी सारी सब ब्रांच है पानी को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सारी बनाई गई है। अब अगर हम इस तरफ की बात करते हैं यानी कि पूर्वी भाग में पानी लाना है तो वहां ढाल इस तरफ है ऐसे, तो पानी ढाल के फ्लो के हिसाब से तो इस तरफ चढ़ेगा नहीं, इसके लिए इसको लिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर लिफ्ट कैनाल बनाई जाती है और फिर पानी को इस तरह से सप्लाई किया जाता है। इस लिफ्ट कैनाल के कंसेप्ट को हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए जैसे ये पानी है, ये इमेज तो था थार के डेजर्ट की नहीं है, इमेज तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि पानी मान लो नीचे की तरफ है और आपको पानी ऊपर ले जाना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम इकट्ठा करके बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है और वो मशीनें पानी को ऊपर लिफ्ट करती है, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन है। आप देखिए 10-10 फीट इन इन मशीनों की लंबाई है, तो इस तरह की मशीनें लगाकर ये सारा पानी ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया जाता है और फिर यहाँ से वापस ढाल के विपरीत बहा दिया जाता है। तो इस तरह की जो कैनाल्स होती है उनको हम लिफ्ट कैनाल कहते हैं। अब ये जो लिफ्ट कैनाल राजस्थान के अंदर बनी हुई है उनको हम समझते हैं कि कैसे बनी हुई है। टोटल 7 लिफ्ट कैनाल यहाँ पर मौजूद है वर्तमान में, उसमें से सबसे पहली जो है वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर उसका नाम है। इसका पुराना नाम जहाँ ये पानी पहुंचाती थी उस जगह के नाम से रखे गए थे, जिसका
जिसमें गंदेली सावा लिफ्ट कैनाल भी कहते हैं या गंदेली नोर सावा लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है, हनुमानगढ़ से निकलती है। लेकिन बाद में इन सारी नहरों के नाम या तो किसी महापुरुष के नाम पर रख दिए गए या किसी लोक देवता के नाम पर रख दिए गए, तो बाद में बदल दिए गए। तो इसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर भी हम कहते हैं। तो इस तरह से ये नहर अपना पानी पहुंचाती है। इस नहर से सिंचाई तो होती ही है, पेयजल में भी इस नहर का बहुत बड़ा हाथ है इन सारे क्षेत्रों के अंदर। अगर आपने एक योजना का नाम सुना होगा जिसका नाम है आपणी योजना, और ये जर्मनी जर्मन सरकार द्वारा एड मतलब सहायता से बनी हुई ये नहर है, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना मानी जाती है। चूरू जिले के लगभग 9 लाख लोगों को यहाँ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है, जर्मनी के सहयोग से बनाई गई, उसको आपणी योजना भी कहते हैं। तो वो इसी नहर के साथ में वो योजना डेवलप की गई है। इसी तरह की एक योजना नागौर के साथ भी है, और उसमें जापान जो है वो उसने फंड किया था नागौर के लिए जो फंडिंग हुई थी। चलिए दूसरी जो लिफ्ट कैनाल है वो लूण करणसर लिफ्ट कैनाल, यहाँ पर एक शहर है लूण करणसर छोटा सा, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट कैनाल, ये गजनेर की तरफ पानी लेके आती है इसलिए इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट कैनाल था। इसके बाद अगली वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल, यहाँ बांगड़सर करके एक जगह का नाम है उसके नाम पर ये बांगड़सर लिफ्ट कैनाल भी कही जाती थी। नेक्स्ट है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल, जो कि कोलायत लिफ्ट कैनाल के नाम से भी जानी जाती थी पहले, यहाँ कोलायत एक जगह है उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल, जो कि जोधपुर में फलोदी तक आती है, तो इसलिए इसका पुराना नाम फलोदी लिफ्ट कैनाल था, अभी गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट कैनाल कहा जाता है। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, वो लिफ्ट कैनाल जैसलमेर से निकलकर जैसलमेर की पोकरण नामक स्थान की तरफ पानी लेके आती है, इसलिए इसका पुराना नाम पोकरण लिफ्ट कैनाल भी था। इस तरह से 7 लिफ्ट कैनाल्स हैं जिनसे इरिगेशन होती है, और इसमें से कुछ नहरों में तो पेयजल भी सप्लाई किया जाता है। इनके अलावा एक ऐसी लिफ्ट कैनाल है जो केवल पेयजल के लिए ही बनाई गई है, और उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। यहाँ जोधपुर शहर है और जोधपुर शहर को पानी देने के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल बनाई गई है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो जगह है जहां से कैनाल निकाली गई है, जैसलमेर में मदासर करके एक जगह है, वहां से वो लिफ्ट कैनाल निकाली गई है, और 205 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाकर ये पानी यहाँ लाया गया है। इस कैनाल के निर्माण की बात है तो 1983 में राजीव गांधी ने इसका काम तो शुरू करवा दिया था, लेकिन अभी भी ये कैनाल पूरी नहीं हुई है। इसका संकेत यह है कि जनवरी 2022 में इसके तीसरे फेज के लिए इस कैनाल की अभी वापस से बजट आवंटित किया गया है 1416 करोड़ रुपए। तो अब इस पर और खर्च होगा और इस कैनाल का और विकास किया जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं निर्माणाधीन, या अगर हम कहें अभी विकासशील ही है ये कैनाल का जो काम है वो, तो उसको हम राजीव गांधी कैनाल कहते हैं। ये केवल ड्रिंकिंग पेयजल के लिए ही बनाई गई है, जोधपुर को अभी भी ये पानी पहुंचा रही है, तो इस तरह से इसको केवल ड्रिंकिंग के लिए रखा जाता है, तो इन 7 में ये इंक्लूड नहीं है, तो इसको राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के नाम से हम जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर के कई सारे फायदे हैं, कई सारे नुकसान है। पहले हम फायदों को बात कर लेते हैं। तो सिंचाई सुविधाएं बड़ी है, इसमें कोई शक ही नहीं। कृषि का विकास बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, पीने का पानी का विकास यहाँ पर हुआ, जो मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन हो रहा था उस पर कंट्रोल करने में सहायता मिली है, ड्राउट सूखे की जो समस्या थी उस पर नियंत्रण पाया गया है, जल विद्युत उत्पादन भी यहाँ पर होता है, जो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ब्रांच हैं उनके ऊपर 13 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है उनसे। पशुपालन में भी इसमें काफी सहायता मिली है, डेयरी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उसमें, मछली पालन का काम, माइनिंग बहुत तेज गति से बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत बढ़ी है नहरों के सारे सारे उद्योग धंधे, क्योंकि पहले पानी नहीं था तो हो नहीं पाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ बढ़ रहे हैं। पर्यटन का विकास भी इस नहर के आने के बाद तेज गति से हुआ है। तो ये सारे उसके फायदे जो हम गिनते हैं इंदिरा गांधी नहर के, लेकिन यहाँ कुछ नुकसान भी इंदिरा गांधी नहर के हमको देखने को मिलते हैं। और उसमें से अगर हम सबसे पहला नुकसान देखें तो सैम की समस्या या वाटर लॉगिंग की समस्या जिसको हम कहते हैं, इस समस्या को हम ऐसे समझ सकते हैं कि खेतों में पानी भर जाता है। अब क्यों भरता है खेतों में पानी? एक तो नहरों से रिसाव होता है, पानी टपकता है सारा, तो उस टपकने से वो सारा खेत जो आसपास के खेत होते हैं उनमें वो पानी इकट्ठा हो जाता है। दूसरा सिंचाई अधिक, किसानों के मन में ये पानी था नहीं, आया तो इनको लगता है कि जितना ज्यादा इरिगेशन करेंगे फसल अच्छी होगी, तो वो ज्यादा खेतों में पानी देते हैं, तो पानी सारा खेतों में फिर इकट्ठा होने लगता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है यहाँ पर, जो कि मरुस्थल की विशेषता नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ ज्यादा हो जाती है, तो वो इसको और बढ़ा देती है। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा नदियां नहीं है, तो जो टेल के पानी होते हैं, पूंछ जो जिसको हम कहते हैं कि अंतिम सिरा जो है नहर का, वो वहां से पानी आगे जाएगा कहाँ, किस किसी नदी में डाला जाए, किसी तालाब में, लेकिन ऐसे तो यहाँ पर है नहीं, वो सारा पानी आसपास के खेतों में भर जाता है।
दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि नीचे की तरफ जिप्सम और ग्रेनाइट की लेयर्स है मिट्टी के नीचे, तो वो पानी को नीचे बहुत रिसने भी नहीं देती, तो ऐसे में सारा पानी वहां इकट्ठा हो जाता है और फिर खेतों में ऊपर की तरफ आ जाता है, और ये इसको हम सैम या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये जब पानी बाहर, तो फिर सारी फसलें खराब होने लग जाती है इससे, तो इसको हम सैम की समस्या के नाम से जानते हैं। अब इस सैम की समस्या के साथ जुड़ी हुई दूसरी एक समस्या है सैलिनिटी की समस्या, क्योंकि ये सारा पानी जब भाप बनकर उड़ता है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं रहा, अब भाप बनकर पानी उड़ेगा तो वो तो उड़ गया, लेकिन उसके अंदर जो सैलिनिटी थी वो सारी खेतों में फिर इस तरह से दिखाई देती है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ये सारी सैलिनिटी फिर खेतों में इकट्ठी हो जाती है, इसको हम सैलिनिटी की समस्या कहते हैं। लोग फिर इससे बचने के लिए जिप्सम डालते हैं ताकि ये सैलिनिटी सारी थोड़ी कम हो जाए। तो इस तरह की जो समस्या है इंदिरा गांधी नहर में बहुत ज्यादा है। इंदिरा गांधी नहर का 1/3 हिस्सा ऐसी समस्या, वाटर लॉगिंग और सैम की समस्या से प्रभावित हो चुका है, 1/3 हिस्सा इंदिरा गांधी नहर का ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले कहा जाता है इंदिरा गांधी जो नहर है वो इस क्षेत्र के लिए वरदान है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए तो अभी ये बिल्कुल अभिशाप सी बन गई है। पूरा इकोसिस्टम वहाँ तबाह हो गया, एक तरह से खत्म सा हो गया है, पूरे इकोसिस्टम को इसने बदल दिया है अगर हम देखा जाए। दूसरी एक समस्या सिल्ट की प्रॉब्लम है। पूरी जो कैनाल है वो रेतीले धरातल के ऊपर से बहती है, तो सारी रेत हवा से उड़ उड़ के उस नहर में गिर जाती है, तो नहर की गहराई कम हो जाती है, उसको निकालने की और समस्या है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी यहाँ फेस होती है, और छोटे मोटे डिस्प्यूट यहाँ पर होती है किसानों के बीच में, तो वो भी एक नुकसान ही है इसका। तो इस तरह से इंदिरा गांधी नहर के फायदे और हानियां दोनों हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंग नहर या गंगा कैनाल जिसको हम कहते हैं। इस कैनाल को बनाना बनाने वाले थे महाराजा गंगा सिंह जी, बीकानेर राज्य के समय महाराजा थे। इनको कलयुग के भागीरथ कहा जाता है। एक तो भागीरथ हम कहते हैं कि गंगा नदी को स्वर्ग से धरातल पर लाए थे। इनके लिए भी ये जो लोग हैं, उन जो जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये भी भागीरथ से कम नहीं थे, क्योंकि ये भी पानी को वहां से मोड़कर, पंजाब से मोड़कर इस तरफ लेकर आए थे। तो इनको कलयुग के भागीरथ कहा जाता है। ये नहर 1927 से शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इरिगेशन था। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये नहर कहाँ से आ रही है। सतलज नदी है पंजाब के अंदर फिरोजपुर जगह, तो उस फिरोजपुर के पास पर्टिकुलर हुसैनी वाला एक जगह है, वहां से ये कैनाल निकालकर राजस्थान की तरफ लाई गई है। वर्तमान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है, या गंगानगर जो जिला है, उसके अंदर इससे इरिगेशन होती है। उस समय तो वो बीकानेर ही था, गंगानगर तो सब बाद में बने, तो वर्तमान में गंगानगर को अपनी सेवाएं दे रही है। जो बीकानेर कैनाल है जिसको हम फीडर कैनाल कहते हैं, वो जो हुसैनीवाला से निकलकर राजस्थान तक आती है, वो 115 किलोमीटर लंबी है फीडर कैनाल। उसके बाद गंगा जो कैनाल है, मेन कैनाल जिसको हम कहते हैं, वो 73 किलोमीटर आगे की तरफ है उससे। इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स हैं वो लगभग 1165 किलोमीटर लंबे हैं सारे मिलाकर के। तो अब सोचिए पूरा नहरी तंत्र जो है वो कितना बड़ा है, और कल्चरेबल जो कमांड एरिया है, कृषि योग्य जो इसका नियंत्रण क्षेत्र है, वो 3.14 लाख हेक्टेयर जमीन है जिससे इरिगेशन होगा, और सारी जमीन अभी वर्तमान में हम देखें तो गंगानगर जिले में है। अब ये कैनाल यहाँ देखिए, अभी हमने कहा कि हरिके बैराज, और हरिके बैराज से ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो इस तरह से आई हुई है। इससे थोड़ा और आगे की तरफ ये फिरोजपुर है, और इस फिरोजपुर में हुसैनी वाला से वो कैनाल निकाल कर ये बीकानेर कैनाल यहाँ से इस तरह से लाई गई है। बॉर्डर के सारे सारे वो गंगानगर तक पहुंचती है, और वहां अभी वर्तमान में इससे इरिगेशन हो रहा है। अब एक समस्या और थी कि जब इधर भाखड़ा नांगल बांध बन गया, हरिके बैराज बन गया, तो अब इधर पानी आता ही नहीं है, नदी सूख गई, तो इसको पानी कहाँ से दिया जाए। तो इंदिरा गांधी नहर से एक लिंक कैनाल डाली गई है वहां, और वो लिंक कैनाल से इसको पानी मिलता है, और वो पानी यहाँ तक वर्तमान में पहुंच रहा है। आजादी क्योंकि बनाई गई थी 1927 में, तो उस समय तो पाकिस्तान भी भारत था, तो ये सारी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, जो वितरिकाएं थी, वो सब पाकिस्तान की तरफ ढाल के अनुसार उधर ही पानी जाएगा। उस समय लिफ्ट कैनाल वाली जो बात को इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, के पास सारा पानी इस तरफ जाता था। लेकिन आजादी के बाद भी ये बहुत भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद नहर रही, तो विवाद तो उस समय सुलझ नहीं सकता था, तो हमने क्या किया, सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरी उधर जा रही थी कैनाल, वो सारी बंद कर दी गई। और इस तरह से वर्तमान में एक से केवल गंगानगर के अंदर ही ये इरीगेशन फैसिलिटीज देती है। इस कैनाल को बनाने की जो कहानी है वो बड़ी रोचक है। एक्चुअली क्या हुआ था, महाराजा गंगा सिंह जी को ये आइडिया कहाँ से आया, 1899-1900 के अंदर राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, और उस अकाल में जो समस्याएं हुई थी, लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उससे उबारने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी के मन में ये आइडिया आया। और उन्होंने 1903 में ये जो काम है वो पंजाब के एक चीफ इंजीनियर थे उस समय, RG Kennedy नाम था उनका, उनको सौंप दिया था। उन्होंने काम भी इस पर करके और प्लान बना के दे दिया। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या हुई, एक सल्तनत, उस समय एक स्टेट था बहावलपुर, उसने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया। वर्तमान में ये बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि ये पानी सारा जो है वो यहाँ से इधर मोड़ दोगे तो आगे हमारी तरफ पानी आएगा नहीं, तो ये फिर विवाद शुरू हो गया एक तरह का। इस विवाद को निपटाने की कोशिश की
वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने 1906 में, लेकिन बात बनी नहीं कुछ ज्यादा, हुआ नहीं समझौता। और फिर समझौता हुआ सितंबर 1920 में, लगभग 15 साल बाद। उस समय बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब इन तीनों राज्यों ने मिलकर इस कैनाल पर समझौता हुआ और साइन हो गए, एमओयू हो गए। उसके बाद इसका काम जो शुरू होता है वो दिसंबर 1925 में शुरू होता है और 26 अक्टूबर 1927 ये कैनाल बनकर तैयार हो जाती है, इसका उद्घाटन कर दिया जाता है मात्र 2.5 सालों में, केवल 2.5 साल। ये कब से बनाना चाह रहे थे, देखिए आप 1900 में, लेकिन बात बन नहीं रही थी, और जब बनी तो 2.5 सालों में इतनी बड़ी कैनाल बनाकर इन्होंने तैयार कर ली। अब यहाँ आज भी इतनी बड़ी कैनाल अगर बनानी है तो मुझे लगता है 10-15 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन इन्होंने कितना तेज गति से ये काम करवाया होगा, बड़ी सोचने वाली बात है। और इस समय जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो ये लॉर्ड इरविन यहाँ पर आए थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ में यहाँ पर थे इस कैनाल के उद्घाटन में। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं ये महाराजा गंगा सिंह जी का उस समय था, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, एक परमिशन लेना, इतनी सारी कैनाल बनाना, वो भी इतनी तेज गति से बनाना, ये कोई बहुत छोटी का बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी जो उस समय इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। अब हम पूर्वी जो राजस्थान है ये वाला, उसमें एक नया प्रोजेक्ट अभी और वापस रूप में आ रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तो इंटरस्टेट बोर्ड ने 2005 में ही ये डिसीजन ले लिया था, लेकिन सरकारें बदलती रहती है तो फिर इसमें कोई काम रिमार्केबल काम हुआ नहीं। इसमें बेसिकली क्या उद्देश्य है कि जो चंबल की सहायक नदियां हैं, जिसमें कुन्नू है, पार्वती है, काली सिंध, ये सारी नदियां बारिश का पानी चंबल में बहा के आगे की तरफ लेके चली जाती है, तो उस सरप्लस पानी को जो आगे की तरफ बह के जा रहा है, उस पानी को राजस्थान के इन 13 जिलों में, ये जो रेड लाइट लाइन मैंने करी इससे इधर वाले जो 13 जिले, इनकी लिस्ट भी मैंने यहाँ दी है, इन 13 जिलों में ये सारा पानी रोक कर कैनाल्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी यानी कि 2022 के अंदर ही 9,600 करोड़ रुपए इसका बजट अलग किया गया है राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में, तो ये पूरे 13 जिलों के अंदर ये योजना आगे जाके बनाई जाएगी, और किस तरह से बनती है, क्या फायदे होते हैं तो समय ही बताएगा, लेकिन एक योजना जरूर है राजस्थान की इस तरह से। अब इस मैप में अगर हम देखें तो राजस्थान की कुछ छोटी छोटी कैनाल्स और बची हुई है, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ, फिर इस मैप को हम आगे करेंगे। एक तो नहर है जिसका नाम है भरतपुर कैनाल, ये जो भरतपुर कैनाल है ये 1964 में बनकर तैयार हुई थी, और अगर इस हम देखें तो यहाँ पर क्या दिल्ली यमुना के किनारे है और ये एक नदी बहती है यमुना, उस यमुना नदी में यहाँ ओखला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना कैनाल निकाली गई है इस तरह से। उस पश्चिमी यमुना कैनाल से एक भरतपुर फीडर करके एक नहर निकाल करके राजस्थान के इस भरतपुर जिले में, जो भरतपुर जगह है उसके आसपास ही इरिगेशन यहाँ पर होता है, तो वहां वो कैनाल अपना जो पानी पानी है वो देती है, तो उसको हम भरतपुर कैनाल के नाम से जानते हैं। एक और कैनाल है जिसका नाम है गुड़गांव कैनाल, वो भी इधर से ही निकाली गई है, और ये जो भरतपुर का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ बेसिकली इधर आगरा कैनाल आती है, उस आगरा कैनाल की एक ब्रांच है, तो उसमें भरतपुर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसमें कामा और डीग जो जगह है उनके आसपास 185 गाँवों में इससे इरीगेशन होता है इस कैनाल से, तो ये गुड़गांव कैनाल है, ये 1966 में बनाई गई थी। इसी तरह से अगर सिद्धमुख नहर परियोजना, तो हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी व्यास परियोजना की, ये उससे जुड़ी हुई कैनाल है और ये इस तरफ से यहाँ आती है, तो ये हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा इससे इरिगेशन होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जो फीडर है वो मसीतावली में है और उसका पानी मसीतावली से वली से साउथ में ही आता है, लेकिन थोड़ा नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वहाँ ये इस कैनाल से पानी आता है, प्लस जो नहर और सिद्धमुख और नहर रीजन है उसमें। अगर हम चूरू जिले में भी बात करें तो राजगढ़ वाला जो हिस्सा वो भी इसी से पानी प्राप्त करता है, और ये सारा पानी 2002 से यहाँ तक पहुंच रहा है इन दोनों जिलों में, तो उसको हम सिद्धमुख नहर परियोजना भी कहते हैं, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना इस तरह इस नाम से भी ये जानी जाती है, इन दोनों जिलों में इससे पानी आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए सारा कैनाल सिस्टम इस मैप के अंदर, ये राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो सारे कैनाल्स यहाँ पर है, जैसे गंगा नहर का इरिगेशन एरिया देखिए ये वाला, ये पूरा गंगा नहर का इरिगेशन एरिया है, ये सिद्धमुख नहर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये गुड़गांव नहर यहाँ इरिगेशन होता है, और भरतपुर कैनाल का से यहाँ पर इरिगेशन होता है। ये देखिए जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उससे जितने भी एरिया है वो ये सारा, ये बीसलपुर जो परियोजना है उससे लाभान्वित क्षेत्र है, माही परियोजना और उससे
जो इरिगेशन होने वाला रीजन है, कमलाबा परियोजना और उसका क्षेत्र है, जवाई बांध से भी कुछ इरिगेशन वहां पर छोटा मोटा होता है, और इसकी भी हमने बात की जो नर्मदा नहर यहाँ पर आई है राजस्थान के अंदर, जालोर और इसमें बाड़मेर के अंदर, तो ये वाला जो रीजन है वो उससे बारिश उससे इरिगेटेड होता है। तो इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां कैनाल सिस्टम से आप देखिए, ऑलमोस्ट हम देखें तो ये क्षेत्र में तो कैनाल सिस्टम का विकास हुआ, पर इधर भी कैनाल सिस्टम का विकास है। ये जो बीच बीच में ये बेल्ट दिखाई देता है, यहाँ नहरों का थोड़ा कम विकास अभी तक हो पाया है, क्योंकि आदर्श कंडीशन भी यहाँ पर इतनी नजर नहीं आती है कैनाल्स की। तो ये पूरा राजस्थान का कैनाल सिस्टम और उसका सिनेरियो है। ये कुछ प्रोजेक्ट की बात मैंने पिछले वीडियो में ही कर दी थी और जो बची हुई थी वो इस वीडियो में। अब आप कुछ सवाल के जवाब दे दीजिए। इंदिरा गांधी नहर को 1984 से पहले किस नाम से जाना जाता था? सागरमल गोपा नहर शाखा से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? कोलायत लिफ्ट नहर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में सबसे उत्तर में स्थित लिफ्ट नहर का क्या नाम है? जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाने हैं तो किस लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया है? सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था? ईआरसीपी परियोजना में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? सिद्धमुख नहर परियोजना से राजस्थान के किन किन जिलों में सिंचाई होती है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।